सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं करती। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। आज का पंचांग 7 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम 6:31 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय 11:05 से 12:00 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय 12:15 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर शाम 6:25 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 7 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार, आज आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे। मुसीबतें तो आती जाती रहेगी लेकिन आपने ये जान लिया है कि सकारात्मक सोच रखने से हम परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। इसलिए आज ये जानने की कोशिश करें कि आप किस तरह अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं। व्यवसाय संबंधित परेशानियां हल होगी लेकिन तब तक आपको बोलने लिखने और काम में भी आक्रामक नहीं होना है। निजी जीवन से संबंधित परेशानियां झेल रहे लोगों को अपनों के लिए समय निकालना चाहिए। आप लंबे समय से स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ध्यान आध्यात्मिकता या रोमांस के माध्यम से खुशियों को प्राप्त किया जा सकता है। आप अपनी नकदी आय और खर्चों पर नजर रखेंगे और फायदे के बारे में विचार करेंगे। आपके पास अच्छा मौका है अपने काम के परिणाम को दोगुना या तीन गुना करने का। आज के दिन आपके लिए खुद के करियर की राह तय करने का है। वर्तमान काम से आपका मन ऊब सकता है, संभव है आप किसी नए करियर के बारे में विचार करें। आप अपने किसी शौक को निखार कर उसे करियर में ढालने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। जब तक इससे दूर भागते रहेंगे तब तक जीवन में असंतोष की भावना बनी रहेगी। अभी आपको खुद के लिए समय की जरूरत है। अगर आप कहीं अटका या दबा हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि यह अस्थायी स्थिति है। सपने में बताए गए अर्थ पर विचार करें, मार्गदर्शन और शांति के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लें। लव लाइफ की बात करें तो आपके लिए वर्तमान स्थिति काफी मुश्किल भरी है लेकिन सहन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है और अगर स्थिति अधिक खराब हुई तो अलग होने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी होगी क्योंकि यह अस्थायी चरण है। खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने दें। आगे बढ़कर बातचीत से अपने पार्टनर के साथ सब गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर लें। करियर की बात करें तो आज का दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। यह जरूरी है कि आप विपणन नीतियां बनाते हुए न्याय संगत निर्णय लें ताकि आप बेहतर नीतियां बना सकें। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तो वे काफी अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो यह आपके लिए शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। इस समय आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है।
सावधान रहें और गुस्सा कम करें। आज का टिप्स, आज आप घर में गाय के घी का दीपक जलाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।